स्टूडेंट्स, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ाया था। आयनाइजेशन एनर्जी को वेरिएशन इन ग्रुप और वेरिएशन इन पीरियड में बताया था और फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स के आयनाइजेशन एनर्जी का कंपैरिजन पढ़ाया था। अब आज मैं उसी से रिलेटेड आपको कुछ एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी के एक्सेप्शनल केस आपको पढ़ा रही हूँ कि हम जैसा सोचते हैं कि पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, टॉप टू बॉटम चलेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो उसी से रिलेटेड कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस है वो मैं आपको बता रही हूँ। मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में जिक्र करा था कि सेकेंड पीरियड में पीरियोडिक टेबल के सेकेंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम और फिर उसके बाद बोरॉन है। मतलब स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड हम पीरियड में मूव कर रहे हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, साइज डिक्रीज होगा और आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। यानी अगर आपको ये तीन एलिमेंट दिए जाए और आपसे बोला जाए कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी में अरेंज करिए, यानी आयनाइजेशन एनर्जी के बढ़ते क्रम में लगाइए, यानी सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी से हायर आयनाइजेशन एनर्जी की तरह करना है। तो आप अगर कंसेप्ट को याद रखोगे तो आपको मैंने पढ़ाया लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, तो आप ऑर्डर लिख दोगे लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से कम होगी और बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से कम होगी। तो ये जो ट्रेन मैंने आपको बताया उसके हिसाब से बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है किससे, बेरिलियम से। बट ऐसा नहीं होता है, बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज्यादा होती है। क्या बताया मैंने आपको, हम जो हमारे ट्रेंड को अगर ओबे करें तो लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, तो इस हिसाब से बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन उल्टा है, बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से क्या होती है, ज्यादा होती है। ये रीजनिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन इज लेस देन बेरिलियम, वाई? बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से कम होती है, क्यों? तो आप बोर्ड पर भी देखिए, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 होता है, इसका बाहर वाला शेल सेकेंड एनर्जी लेवल है, उसके एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1 है, तो इसके बाहर वाले शेल में 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। आपको मालूम है 2p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम के बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी ऑक्टेट कंप्लीट है, एस ऑर्बिटल है 2 इलेक्ट्रॉन है, एस ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है, एक्स्ट्रा स्टेबल है। तो आपको पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी क्या करना पड़ेगी, ज्यादा देना पड़ेगी। लेकिन बोरॉन को अगर हम देखें तो बोरॉन में 2 इलेक्ट्रॉन के बाद 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, और वैसे भी इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ऐसा 5 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली कोई डोनेट करने वाला नहीं है, ये तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर देगा। 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद इसके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2, यानी इसका ऑक्टेट भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और ये भी कैसे आ जाएगा इससे। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जो पी में 1 इलेक्ट्रॉन था उसको इजीली क्या करेगा, मतलब कम एनर्जी में क्या करेगा, डोनेट कर देगा। तो इसलिए बोरॉन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से क्या होती है, कम होती है, क्योंकि बोरॉन के बाहर वाले शेल के पी ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है और उसको वो इजीली डोनेट करके स्टेबल ऑक्टेट कंप्लीट करने में 1 इलेक्ट्रॉन कंपेरेटिवली कम एनर्जी पे क्या करेगा, डोनेट कर देगा। इस कारण बोरॉन की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, पहली आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, वो बेरिलियम से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी से एक और आप इसी तरह का एक्सेप्शनल केस है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। सेकेंड पीरियड में ही यही दोनों एलिमेंट भी सेकेंड पीरियड के हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, थोड़ा सा हम और आगे आ गए। तो ऑर्डर क्या लिखोगे आप, लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम है बेरिलियम से, बेरिलियम की ज्यादा है बोरॉन से, बोरॉन की कम है कार्बन से, कार्बन की कम है नाइट्रोजन से, और नाइट्रोजन की कम है ऑक्सीजन से। यहां पर फिर एक एक्सेप्शनल केस आ गया, नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है ना, नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से क्या होती है, ज्यादा होती है। जबकि क्या होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट जा रहे तो साइज छोटा है, ऑक्सीजन का साइज नाइट्रोजन से कैसा छोटा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज हायर देन ऑक्सीजन, या
हाइड्रोजन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन नाइट्रोजन, तो उसका क्या कारण है? देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p3 होता है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p4 होता है। हम सबसे बाहर वाले शेल को यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, तो सेकेंड एस के सेकेंड एनर्जी लेवल के 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है। कुंड का रूल लगा रहे सारे सबशेल को, सारे ऑर्बिटल को सिंगली फिल कर रहे हैं, और यहाँ पर भी हम सेकेंड एनर्जी लेवल कंसिडर कर रहे हैं, तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। कुंड के अकॉर्डिंग पहले सबसे सिंगली फिल करा और उसके बाद उसके अंदर हमने क्या करी? पेयरिंग करी। अब अगर आप यहाँ पर नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को देखें, तो मैंने आपको बताया था पी में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। अगर पूरा पी और पी ऑर्बिटल में पूरे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम बोलते हैं पी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है। 6 का हाफ क्या होता है? 3। तो नाइट्रोजन के पी सबशेल में 3 इलेक्ट्रॉन है ना, इसका मतलब ये जो पी सबशेल है ये एक्स्ट्रा स्टेबल है। कैसा है? एक्स्ट्रा स्टेबल है, क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है। ठीक है, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबल नेचर के होते हैं। तो नाइट्रोजन के बाहर वाले शेल के पी सबशेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी इसका पी सबशेल एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होता है, तो कैसा होता है? एक्स्ट्रा स्टेबल नेचर का होता है। वहीं पर अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन में हाफ फिल्ड कॉन्फिग्रेशन से 1 इलेक्ट्रॉन जाता है, यहाँ पर 2p4 है। अगर 2p3 होता तो ये भी नाइट्रोजन जैसा एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता, लेकिन 2p3 से 1 इलेक्ट्रॉन 2p4 यानी 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो ऑक्सीजन जो है ये एक जो 2p में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसको इजीली कम एनर्जी पे क्या करेगा? डोनेट कर देगा, क्योंकि मालूम है 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो मैं भी नाइट्रोजन के जैसा एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाऊंगा। तो नाइट्रोजन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी पे डोनेट करेगा फॉर एक्वायरिंग द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, स्टेबल कॉन्फिगरेशन को एक्वायर करने के लिए। इस कारण ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कारण मैंने आपको क्या बताया कि नाइट्रोजन में सबसे बाहर वाले शेल का जो 2p सबशेल है वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है यानी एक्स्ट्रा स्टेबल है। तो ज्यादा अमाउंट में एनर्जी लगेगी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को तोड़ने के लिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। वहीं पर ऑक्सीजन में हाफ फिल्ड कॉन्फिग्रेशन से एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फिग्रेशन से 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, जिसको वो इजिली क्या करेगा? डोनेट करेगा। इजिली डोनेट करेगा तो पहली आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन के कंपेरिजन में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसलिए ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन से क्या होती है? कम होती है। ठीक है, ये मैंने आपको 2 एक्सेप्शनल केस पढ़ाया। तीसरा जो यहाँ पर लॉजिकल क्वेश्चन या रीजनिंग क्वेश्चन आता है वो है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस की आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है नोबल गैसेस की। उसका कारण क्या है? आप कोई सी भी नोबल गैस ले लो, सपोज मैंने आपके सामने लिया AR को हम कहते हैं एर्गॉन, और एर्गॉन का एटॉमिक नंबर होता है 18। हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो जाएगा। किसी भी नोबल गैस के बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्टेट कंप्लीट मतलब स्टेबल। तो नोबल गैसेस का कॉन्फिगरेशन कैसा होता है? स्टेबल। दे नाइदर लूज इलेक्ट्रॉन ना गेन इलेक्ट्रॉन, ना तो वो इलेक्ट्रॉन देते हैं ना लेते हैं, क्योंकि उनका ऑक्टेट क्या रहता है? कंप्लीट रहता है। इस कारण इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। तो नोबल गैसेस की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा क्यों होती है? बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज स्टेबल, दे आर ऑक्टेट इज कंप्लीट, दे नाइदर लूज इलेक्ट्रॉन नॉन गेन इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर देयर आयनाइजेशन एनर्जी इज वेरी हाई। तो मैंने यहाँ पर अभी आपको 3 एक्सेप्शनल केस पढ़ा है कि बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज्यादा होगी, जबकि बोरॉन की ज्यादा होना चाहिए थी, लेकिन किसकी ज्यादा है? बेरिलियम की। फिर ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होना थी, पर ज्यादा किसकी निकली? नाइट्रोजन की। और नोबल गैसेस की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो एक्सेप्शनली क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उनका ऑक्टेट कैसा रहता है? कंप्लीट रहता है। ठीक है, तो ये था आपका कंपेरिजन ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला है एटॉमिक साइज। नंबर 2 पर है
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको ZEFF से रिप्रेजेंट किया जाता है, ZEFF इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और थर्ड जो है वो है स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट। तीसरा फोर्थ वन जो है वो है पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल, पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल। और लास्ट में जो आता है वो आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये पांच फैक्टर्स हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है एटॉमिक साइज, दूसरा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, थर्ड है स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, फोर्थ है पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल और फिफ्थ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले मैं यहाँ पर बता दूं, जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होती है, एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होती है। व्हाट डज इट मीन कि एटॉमिक साइज अगर छोटा होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको हम पुल आउट करना चाहते हैं उसके ऊपर न्यूक्लियर का फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा होगा और ऐसी स्थिति में उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। तो एटॉमिक साइज अगर छोटा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका उल्टा अगर हम देखें तो अगर एटॉमिक साइज अगर बड़ा होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको हम पुल आउट करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, उसके ऊपर न्यूक्लियर का फोर्स अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से लूजली बाउंड रहेगा, उसके ऊपर न्यूक्लियर का फोर्स अट्रैक्शन कम है तो आपको कम एनर्जी देना पड़ेगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर साइज छोटा है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, अगर साइज बड़ा है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। दूसरा जो इफेक्ट आता है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर का फोर्स अट्रैक्शन कितना लग रहा है। अगर जिस इलेक्ट्रॉन को आप पुल आउट करना चाहते हो उसके ऊपर न्यूक्लियर का फोर्स अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, मतलब वो न्यूक्लियर से टाइटली होल्ड करके रखा हुआ है, तो आपको आयनाइजेशन एनर्जी डेफिनेटली ज्यादा रखनी है, आपको न्यूक्लियर का फोर्स अट्रैक्शन ओवरकम करना पड़ेगा, फिर उस इलेक्ट्रॉन को शेल में से बाहर निकालना पड़ेगा, तो आपको एनर्जी क्या करना पड़ेगी, ज्यादा देना पड़ेगी। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है आयनाइजेशन एनर्जी। अगर न्यूक्लियर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी, और अगर न्यूक्लियर का फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। तीसरा जो है वो कौन सा इफेक्ट है आपका, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट है। मैंने आपको इसके पहले भी स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट एटॉमिक रेडियस में पढ़ाया था कि न्यूक्लियस और बाहर वाले शेल के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम इंटरवेलिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और ये इंटरवेलिंग इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये न्यूक्लियर के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बाहर वाले शेल पर जाने से क्या करते हैं, रोकते हैं, और उससे जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उस इफेक्ट को हम स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, किसी भी एटम में न्यूक्लियस और सबसे बाहर वाले शेल के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को हम इंटरवेलिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियर के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बाहर वाले शेल पर जाने से रोकते हैं, न्यूक्लियर के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का अपोज करते हैं, और उससे जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उस इफेक्ट को हम शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। अब आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाह रहे हैं क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अगर आपको बाहर निकालना है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस दोनों के बीच में जो इंटरवेलिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर उनसे होने वाला स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर पावरफुल होगा, मतलब उन्होंने न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में पावरफुल स्क्रीन क्रिएट कर रखी होगी, तो न्यूक्लियर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर जाने से क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, उस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो आप उसको जरा सी एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। यानी शील्डिंग इफेक्ट पावरफुल है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम, लेकिन अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों को कोई मतलब ही नहीं हो न्यूक्लियर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बाहर वाले शेल पर जाने देंगे तो बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तो क्या होगा, आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होती है आयनाइजेशन एनर्जी।
अगर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ने पावरफुल स्पिनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस किया है तो बाहर वाले शेल पर न्यूक्लियर का फोर्स अट्रैक्शन कम तो आयनाइजेशन एनर्जी भी कम, यानी स्पिनिंग इफेक्ट ज्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम है। अगर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स ने न्यूक्लियर के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को नहीं रोका है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर का फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा, इसका मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आयनाइजेशन एनर्जी। तीसरा जो होता है आपका पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल, मैंने आपको आर्बाउ डायग्राम पढ़ाया है तो उसमें हम जनरली पहले एस ऑर्बिटल लिखते हैं, फिर पी लिखते हैं, फिर डी लिखते हैं, फिर एफ लिखते हैं। अब आप खुद सोचिए यहां पर न्यूक्लियस है, जिस इलेक्ट्रॉन को आप निकालना चाहते हैं वो एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, और एक दूसरा केस है ये न्यूक्लियस है और जिस इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकालना चाहते हैं वो एफ में प्रेजेंट है। तो जो जिस सेल में से यानी वैलेंस शेल, यहाँ पेनिट्रेशन का मतलब होता है क्लोजनेस टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के कितने पास में है, जिस इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में से जिस वैलेंस शेल में से आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाहते हैं, इफ इट लाय वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा पास में है तो अंडरस्टूड है कि उसके ऊपर न्यूक्लियर का फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा और उसको बाहर निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल में हम क्या पढ़ेंगे, द ऑर्बिटल फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन इज टू बी रिमूव्ड आउट, जिस ऑर्बिटल में से हमको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है अगर वो न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा पास में है तो उस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर का फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी। अगर जिस ऑर्बिटल में से आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है वो न्यूक्लियस से बहुत दूर है तो उसके ऊपर न्यूक्लियर का फोर्स अट्रैक्शन कम रहेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल के अंतर्गत है। तो डिस्टेंस अगर कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है, सॉरी इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, अगर ज्यादा पास में है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, दूर है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। तो ये इस तरह से इसका आयनाइजेशन एनर्जी की कंसेप्ट है। फिर उसके बाद है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो मैं आपको बता रही हूँ दो प्रकार का कॉन्फिगरेशन होता है, एक तो हाफ फिल्ड एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और दूसरा फुल्ली फिल्ड, है ना। और दोनों में मैंने आपको बताया था कि अगर ऑर्बिटल एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है और ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है तो एक्स्ट्रा स्टेबल है, एक्स्ट्रा स्टेबल है तो स्टेबिलिटी तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी ऑल दोज एलिमेंट्स विच हैव कंप्लीट ऑक्टेट विच हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देयर आयनाइजेशन एनर्जी विल बी हाई। तो आयनाइजेशन एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में अपन देख लेते हैं। रिकेप इसका एटॉमिक साइज, अगर साइज छोटा है तो जिस इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकालना चाहते हैं उस पर न्यूक्लियर का फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी, ठीक है। यानी एटॉमिक साइज छोटा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, अगर एटॉमिक साइज बड़ा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। सेकेंड जो फैक्टर है वो क्या है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिस इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकालना चाहते हैं उसके ऊपर न्यूक्लियर का फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा है तो इट विल टाइटली होल्ड बाय द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस से ज्यादा पावरफुली होल्ड करके रखा जाएगा तो आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा। यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है आयनाइजेशन एनर्जी। तीसरा जो फैक्टर है वो स्पिनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट है। न्यूक्लियस और बाहर वाले शेल के बीच में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है अगर वो पावरफुली न्यूक्लियर के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बाहर वाले शेल पर जाने से रोकते हैं, मतलब उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट पावरफुल है तो बाहर वाले शेल पर न्यूक्लियर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, ऐसी स्थिति में उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको कम एनर्जी देना पड़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन अगर वो स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं यानी न्यूक्लियर के फोर्स अट्रैक्शन का अपोज नहीं कर रहे हैं तो वैलेंस शेल पर न्यूक्लियर का फोर्स अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर पावरफुल है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। उसके बाद पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल में मैंने आपको बताया जो ऑर्बिटल में से आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है अगर वो न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा पास में है तो उसके ऊपर न्यूक्लियर का फोर्स अट्रैक्शन क्या रहेगा, ज्यादा, तो आपको ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देना पड़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। और लास्ट में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, यानी अगर किसी भी एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट है या हाफ फिल्ड है या फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स के पास तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि ये सारे के सारे एक्स्ट्रा स्टेबल नेचर के होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो अपन ने पढ़ा ये फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एनर्जी था। Now it is sufficient for today. Thank you very much.